आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। मगध विश्वविद्यालय राज्य सरकार द्वारा मनोनीत सीनियर सदस्य विद्यार्थी परिषद के नेता डॉक्टर रूपेश कुमार ने गया कॉलेज गया में नए प्राचार्य डॉक्टर सतीश सिंह चंद की नियुक्ति पर उन्हें बधाई प्रेषित की। साथ ही डॉक्टर रूपेश कुमार ने कहा कि नए प्राचार्य ऊर्जावान धैर्यवान एवं सामर्थ्यवान है। गया कॉलेज गया बिहार का एक प्राइम कॉलेज है। यहाँ के शिक्षक कर्मचारी छात्र एवं छात्राएं अनुशासन प्रिय हैं, इसलिए पूर्व के दिनों में कॉलेज को नेक ए प्लस भी प्राप्त है और बिहार में शिक्षा के मामले में एक अलग पहचान बनाता है। दर्जनों वोकेशनल प्रोफेशनल एवं प्रबंधन कोर्स कॉलेज का गौरव बढ़ाता है। प्राचार्य महोदय का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कहना चाहूंगा कि पिछले कुछ वर्षों में वोकेशनल प्रोफेशनल एवं प्रबंधन की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में भारी गिरावट हुई है। वित्त पोषित कोर्स में छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिल पा रही, उसका मूल कारण है अयोग्य व्यक्तियों का शिक्षक के रूप में नियुक्त कर देना। योग्य एवं अनुभवी शिक्षक पहचान और पैरवी के अभाव में पीछे रह जाते हैं। अयोग्य लोगों का चयन पहुंच और पैरवी के बल पर हो जाता है, जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने में बहुत बड़ी बाधा है। बच्चे इन कोर्सों में फीस के तौर पर मोटी रकम देते हैं, पर उनका कहीं भी प्लेसमेंट नहीं हो पाता, जिससे रोजगार परक शिक्षा की अवधारणा समाप्त हो जाती है। मेरा मानना है कि इन कोर्सों को सिलेबस अपडेट हो, योग्य एवं पुराने अनुभवी शिक्षकों की नियुक्तियां हो, प्लेसमेंट सेल को पूर्णतया गठन हो, स्मार्ट क्लास एवं व्यवहारिक प्रशिक्षण सेमिनार आदि की व्यवस्था अनिवार्य रूप से लागू हो, तभी गया कॉलेज गया का पहचान एवं गौरव पुनः स्थापित होगा। डॉक्टर रूपेश कुमार सीनियर सदस्य मगध विश्वविद्यालय बोध गया आदि लोग उपस्थित रहे। न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस से वेदराज की खास रिपोर्ट। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस।